तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देसी डिटेल्स ओनली के एक और न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे किस तरह से आप लोग 2023 में बहुत ही आसान तरीके से आप लोग पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो आज की हमारी जो बैंक होने वाली वो एक्सिस बैंक होने वाली है कि आप लोग एक्सिस बैंक से किस तरह से पर्सनल लोन ले सकते हैं और आप लोगों को जो एक्सिस बैंक है वो क्या डॉक्यूमेंट्स मांगता है, आप लोगों से क्या इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कराएगा, क्या आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, कितनी आप लोगों को मैक्सिमम लोन प्रोवाइड कराएगा, साथ में यहाँ पर जो एक्सिस बैंक है वो आप लोगों से कितनी मंथली सैलरी मांगता है। तो इसके बारे में आप लोगों को आज फुल डेडिकेटेड वीडियो मिलने वाला है। बढ़ते हैं अपने एक्सिस बैंक की ऑफिशियल साइट की तरफ। इससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं हुआ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए। तो बढ़ते हैं अपने एक्सिस बैंक की ऑफिशियल साइट की तरफ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक्सिस बैंक की जो हमारी आज की डिटेल्स होने वाली वो पूरी हिंदी में आप लोगों को डिटेल्स मिलेंगी। बात करें सबसे पहले इंटरेस्ट रेट की, तो इंटरेस्ट रेट की बात करें 9.45% से 15.35% का आप लोगों को इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। ये आप लोगों के सिविल स्कोर क्रेडिट स्कोर के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। आप लोगों का क्रेडिट स्कोर सिविल स्कोर जितना ही अच्छा या फिर गुड की कैटेगरी में होने वाला है, एक्सीलेंट की कैटेगरी में होने वाला है, बैंक आप लोगों को उतने ही कम इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पर जो लोन अमाउंट है इंटरेस्ट रेट है वो प्रोवाइड कराती है। और आपका जो सिविल स्कोर है क्रेडिट स्कोर है जितना ही बैड की कैटेगरी में होने वाला है या फिर पुअर की कैटेगरी में होता है उतने ही कम जो आप लोगों का सिविल स्कोर है वो आप लोगों का जितना ही पुअर या फिर बैड की कैटेगरी में होता है आप लोगों को जो बैंक है उतने ही कम इंटरेस्ट रेट पर उतने ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर आप लोगों को इंटरेस्ट रेट देती है। साथ में ही आप लोगों को उतनी ही ज्यादा मंथली ईएमआई रिटर्न करनी होती है बैंक को। यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले प्रोसेसिंग फीस की, तो आप लोगों के 1% लोन अमाउंट से ली जाएगी और जो आप लोगों को मैक्सिमम लोन अमाउंट मिलेगा वो 15 लाख रुपए तक का आप लोगों को लोन अमाउंट यहाँ पर पर्सनल लोन अमाउंट 15 लाख रुपए तक का मिल जाएगा। बात करें सैलरी की, तो आपकी जो मंथली सैलरी होनी चाहिए वो 15,000 पर मंथ की आप लोगों को मंथली सैलरी होनी चाहिए एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आप लोगों को क्या यहाँ पर दस्तावेज मांगती है, क्या डॉक्यूमेंट्स मांगती है एक्सिस बैंक। तो सबसे पहले आप लोगों को आवेदन पत्र भरना होगा, ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। पहचान प्रमाण पत्र के लिए आप लोगों को पासपोर्ट, आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वोटर आईडी कार्ड आप लोगों को देना होगा बैंक को। पता प्रमाण पत्र के लिए आपको अपने स्थायी पते का प्रमाण पत्र सबमिट करना होगा और उसमें आप लोग विद्युत बिल मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी बिल, लाइसेंस, आधार कार्ड आदि दे सकते हैं। आय प्रमाण पत्र के लिए आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं कि ताजगी वेतन पत्र, आयकर रिटर्न मतलब जो आईटी होती है उसको देना होगा और वेतन पर्ची, बचत खाते की पासबुक, आधार कार्ड देना होगा। नियमित भुगतान प्रमाण पत्र के लिए आपको पिछले 3 से 6 महीने के नियमित भुगतान का प्रमाण पत्र सबमिट करना होगा, जैसे कि वेतन पर्ची, बैंक कटौती, बचत खाते की पासबुक। अन्य दस्तावेजों में आप लोग आपको बैंक द्वारा मांगे जाने पर अन्य दस्तावेज भी सबमिट करने होंगे, जैसे कि स्थल का प्रमाण पत्र, व्यापार का प्रमाण पत्र, संपत्ति दस्तावेज आदि। यह आपसे एक्सिस बैंक दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करती है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स और इंटरेस्ट रेट के बारे में बता दिया है। तो अब बढ़ते हैं अगर लोन ईएमआई की तरफ की। अगर आप लोग मान लीजिए कि 3 लाख रुपए तक का यहाँ पर पर्सनल लोन लेते हैं एक्सिस बैंक से 2 सालों के लिए, तो उसमें आप लोगों को क्या मंथली ईएमआई पे करनी होगी। तो इसके लिए चलते हैं अपने लोन ईएमआई कैलकुलेटर पर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक बार फिर से कि जो इंटरेस्ट रेट है वो 9.45% से 15.35% का है। तो यहाँ पर जो हम लोग इंटरेस्ट रेट लेने वाले हैं वो 11 या 12% का लेने वाले हैं। बढ़ते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हम अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर आ चुके हैं। अब अगर बात करें पर्सनल लोन के लिए, तो यहाँ पर हम लोग पर्सनल लोन को पहले से ही सेलेक्ट करे हैं। जो पर्सनल लोन अमाउंट है वो भी हमारा 3 लाख पर सेट है और जो इंटरेस्ट रेट है उसे हम लोग यहाँ पर 11% का ले लेते हैं। तो 11% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर लेने के बाद लोन टेन्योर को लेते हैं 3 सालों के लिए। तो जो हमारी मंथली ईएमआई लोन ईएमआई होने वाली है पर मंथ की वो 9,822 रुपए होगी। टोटल इंटरेस्ट पेबल हम लोगों को 53,578 का करना है। टोटल पेमेंट जो हमारी बनेगी वो 3,53,578 रुपए की बनेगी, जिसे आप लोग ब्रेक ऑफ द टोटल अमाउंट से समझ सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो 15.2% है ये टोटल इंटरेस्ट वाला एरिया है, और ये जो हमारा प्रिंसिपल लोन अमाउंट है 84.8% है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कुछ इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।